इस ट्रिप की शुरुआत मैंने की अपने दोस्त गौरव के साथ, जिसके लिए ट्रैवलिंग एक नशा है। तो हमने फैसला किया कि हम चलेंगे एक ऐसे ऑफबीट डेस्टिनेशन पर जहां होगा सिर्फ और सिर्फ सुकून और शांति। तो फाइनली हमें वो जगह मिल ही गई, और वो जगह है कैलाश मानसरोवर का नया रूट, जहां हमें दर्शन होंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के। तो ट्रैवलिंग हम दोनों के लिए एक नशा है, और इस नशे के साथ हम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी पहुंचने वाले हैं हम बद्रीनाथ वाले हाईवे पर, और यहां से हम हाईवे से चलेंगे और हमें रुद्रप्रयाग तक इसी हाईवे के साथ चलना है। उसके बाद हम लेफ्ट लेकर कर्णप्रयाग वाले रूट पर चलेंगे। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं बद्रीनाथ वाले हाईवे पर, और यहां पर आप देख सकते हो ट्रैफिक की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आजकल चार धाम यात्रा अपनी पीक पर है। तो ट्रैफिक भी भर भर कर इस रोड पर ट्रैफिक है, तो हल्का हल्का बूंदाबांदी होती हुई, और मुझे लग रहा है कहीं पर भी तेज बारिश हो सकती है। आप देख सकते हो मेरे गोप्रो भी लगा रखे हैं, शायद उस पर भी हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही होगी, और बारिश तेज होती हुई। नो नो, अरे सेट यार, क्या सोचा था क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही वेदर के मजे लेते लेते चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर मौसम का अपना अलग। और राइडर देख सकते हो आप, लगता है केदारनाथ से वापसी आते हुए, और हम इस वेदर का भी मजा लेते हुए चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन को करीब से इंजॉय करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि आप तीनों वेदर में आप वहां पर घूम कर आइए, तभी आपको पता चलेगा उस जगह की खूबसूरती। गर्मियों, ठंडियों और बरसात में, तीनों सीजन में आप वहाँ पर घूम कर ही उस जगह के असली खूबसूरती का पता लगा सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं है, और बहुत तेज विंड ब्लास्ट हो रहा है, बहुत तेज। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो अलकनंदा रिवर, और उसके जस्ट ऊपर है यहाँ पर धारी देवी का एक ब्यूटीफुल मंदिर। जय माँ धारी हमारी यात्रा को सफल करे। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई भी जब कभी भी चार धाम यात्रा करने के लिए जाता है, तो उसे एक बार धारी देवी माँ के दर्शन के लिए जाना ही पड़ता है। कहा जाता है कि इसके चलते आपकी यात्रा सुखमय और मंगलमय होती है, और माने तो ये भी है कि जो चारों धामों की रक्षा है वो माँ धारी देवी करती है, तो इसीलिए तो एक बार यहाँ पर जाना तो बनता ही है। तो पानी देख सकते हो आप अलकनंदा नदी का कितना ऊपर आ चुका है आजकल, क्योंकि बरसात हो रही है, और मुझे लग रहा है रेनी सीजन शुरू हो गया उत्तराखंड में अभी से ही। तो रेनी सीजन में थोड़ा राइड करने का थोड़ा खतरा भी रहता है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने का भय रहता है। तो यहाँ नीचे पर है मीनिंग गोवा ऑफ श्रीनगर गढ़वाल का। अगर आप श्रीनगर गढ़वाल में रहते हुए गोवा बीच के मजे लेने चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बार जरूर आ सकते हो। तो हालांकि अभी भीड़ है नहीं, क्योंकि समय अभी 8 बज रहा है। तो फिलहाल थोड़ा सा ऑफ रोड आता हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने और हम इसका ऑफ रोड टेस्ट भी करेंगे इस एक्सपल्स का, देखते हैं कितनी पावर परफॉर्मेंस के साथ चलती है। तो यहाँ पर आगे पर हर जगह बरसात में लैंडस्लाइड होता है, जिसके चलते यहाँ पर एक शायद नया ब्रिज बन रहा है जो कि बाईपास है, जिसके चलते रेनी सीजन में जो जाम लगता है इस पहाड़ ऊपर से आता है सिरूर बगड़ में, तो तब ऐसी समस्याओं का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बात कर रहा था मैं, ये देख सकते हो आप जिसके चलते पीछे ब्रिज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, और अभी भी आप देख सकते हो कुछ हालत ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एक डरावना सा मंजर रहता है सही में यार, आप देख सकते हो ऊपर से कितना बड़ा पहाड़ टूट कर नीचे आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग में, और ऊपर बोर्ड भी लगा है, रुद्रप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप लोगों का भी स्वागत है रुद्रप्रयाग में। एकदम आगे आप देख सकते हो पूरा कोहरा, शायद वहां पर हल्का हल्का बारिश हो रही है मुझे लग रहा है ऊपर। और यहां से अभी हम करेंगे इसमें फ्यूल को फुल, क्योंकि आपको पता है बिना फ्यूल के आगे जाएगी नहीं। तो अभी देख सकते हो आप मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है 9 रुपये, तो एक ही बार फुल करवा दूंगा, बार बार भराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिन रखूं पेट्रोल है।
लगता है बारिश बहुत तेज हो गई और मुझे लगता है कहीं रुक कर मुझे अपना रेन कवर पहनना पड़ेगा। हालांकि जैकेट के अंदर से तो है लेकिन फिर भी बाहर से पहनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर जैकेट गीली हो जाती है तो फिर मजा नहीं आएगा उसे पहनने में। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो बाईपास है, जो रुद्रप्रयाग नहीं जाना चाहते और सीधे अगस्त मुनि के लिए वहां पर रूट टच करता है। तो नो सिट 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 यार, तो मुझे लग रहा है मुझे अपना गोप्रो उतारना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत तेज लगती हुई और ऐसे मौसम में राइडिंग करने का सच बताओ अपना अलग ही मजा है। हालांकि ऐसे मौसम में थोड़ा खतरा भी रहता है क्योंकि पहाड़ ऊपर से टूटकर धड़धड़ाकर नीचे गिरते हैं। और यहाँ पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं फिर दुर्घटना से देर भली। बढ़िया मौसम है, सही बता रहा हूँ यार, मस्त मौसम है और मस्त मज़ा भी आ रहा है। इस सुहाने मौसम में राइडिंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल एकदम मज़ा। अगर धूप होती तो उतना मज़ा आता नहीं क्योंकि गर्मियों के सीजन में आपको पता है अगर इतना ही बारिश पूरे रूट पर हमें मिलता है तो सही रहेगा, क्योंकि इतने बारिश में कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। अगर तेज लगता है तो फिर पूरा माहौल गड़बड़ा जाएगा। ओ गाय माता कहाँ कहाँ कहाँ। तो फिलहाल अभी हम यहाँ रुद्रप्रयाग में हैं और फिर से गौरव अपने यहाँ पर हैंड गार्ड पहनता हुआ। तो फिलहाल अभी हम लेंगे राइट क्योंकि वी आर ए राइट पर्सन और हम सीधा चलेंगे कर्णप्रयाग की ओर। तो फिलहाल अभी हमने रुद्रप्रयाग को पीछे छोड़ दिया और हम कर्णप्रयाग वाले रूट पर आगे आ चुके हैं। तो मैं अभी पहली बार कर्णप्रयाग वाले रूट पर जा रहा हूँ, आज से पहले मैं कभी गया नहीं हूँ। तो फिलहाल मैं आज की बात कर रहा था तो मुझे अपने होम टाउन से और धारचूला के लिए 334 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और इतना लंबा डिस्टेंस मैं कभी कभार ही करता हूँ। हालांकि इतना लंबा अभी तक मैं ट्रेवल पर गया नहीं हूँ, आज से पहले मैं केवल देहरादून या फिर तुंगनाथ वाली राइड पर ही गया हूँ और इससे ज़्यादा मैं लॉन्ग रूट पर आज तक गया नहीं हूँ। तो आज आने वाला है, हालांकि कुछ चुनौतियां भी मिलने वाली हैं लेकिन हम उन चुनौतियों को पीछे छोड़कर करेंगे अपने राइड को कंटिन्यू। तो फिलहाल अभी हम गोचर में रुके हैं और बारिश बहुत तेज लगी हुई है। फिलहाल अभी हम गोचर में रुके और बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं पूरा भीग गया हूँ और अब मुझे अपना रेनकोट पहनना पड़ेगा जो कि गौरव निकाल रहा है बाइक से। जैसे वो बाइक से रेनकोट निकालेगा पहनने के बाद फिर से अपने राइड को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें अभी 250 से ज़्यादा किलोमीटर कवर करने हैं और अभी मात्र हम गौचर में ही आ पाए हैं। तो हमें जाना है आज धारचूला, शायद आज हम धारचूला में ही स्टे लेंगे और कल वहाँ से परमिट बनाकर ऊपर के लिए रवाना होंगे ऊन पर्वत और मानसरोवर वाले रूट के लिए। तो फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है क्योंकि बहुत देर से बारिश कंटिन्यू बारिश हो रही थी लगातार 4 से 5 घंटे और हम पूरे भीग चुके हैं। बढ़िया लोकेशन है यार, एकदम बढ़िया। तो आज जो हमने रूट कवर किया, पहले हम रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से हम पहुंचे फिर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से ग्वालदम और ग्वालदम से अभी हम जा रहे हैं बैजनाथ और बैजनाथ से फिर धारचूला की ओर। तो अभी भी बहुत डिस्टेंस बचा हुआ है और मुझे लगता नहीं आज कवर हो पाएगा, 2 बज चुके हैं और कोशिश पूरी करूंगा कि आज धारचूला में ही हम स्टे लें क्योंकि कल वहां से हमें परमिट भी बनाना है और फिर परसों आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए निकलना है। तो यहाँ से अभी भी बता रहा है बैजनाथ 9 किलोमीटर और जब राइट के मौसम में इतनी लगातार बारिश हो जाए तो बेकार लगता है यार, पूरा भीग जाता है और हल्का फुल्का बारिश सही रहता है, जब और ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मस्त है और यहाँ पर एक कैंपिंग की बढ़िया लोकेशन है, आप देख सकते हो ऊपर एकदम मस्त है, बाइक भी ले जा सकते हो ऊपर और आराम से कैंपिंग कर सकते हो।
देख सकते हो क्या बढ़िया लोकेशन है यार कैंपिंग के लिए, मस्त मजा ही आ जाएगा। अगर आप पहाड़ों पर 300 या 400 किलोमीटर चलते हो तो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है वो, क्योंकि बहुत घुमावदार मोड़ रहते हैं। अगर हाईवे पर तो आप 500, 600, 700 किलोमीटर आसानी से कवर कर लोगे 8 या 10 घंटों में, लेकिन पहाड़ों पर बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लेता है। और वैसे भी पहली बार मैं इतना लॉन्ग राइड पर चल रहा हूँ तो थोड़ा संभल कर ही गाड़ी को चलाना पड़ रहा है। 1 hour later. फिर से बारिश शुरू हो गई है, बाय गॉड। तो मुझे लग रहा है मुझे फिर से गोप्रो ऑन रखना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कितनी तेज बारिश है, और गोप्रो के अंदर मुझे लग रहा है कहीं पानी में चला जाए, बहुत तेज बारिश है भाई। और बारिश देख सकते हो आप कितनी तेज बारिश लगी है। अरे बाइक ना सकते हैं थोड़ी देर के अंदर। किसका है आपका? हां मकान मालिक के लिए रख लीजिए, फिर अभी भी जाना होगा। हां अभी जाना है। तो दोस्तों फिलहाल जैसे तैसे करके बारिश बंद हो चुकी है और अभी हम बैजनाथ पहुंच चुके हैं। और ये देख सकते हो बैजनाथ का छोटा नहीं काफी बड़ा मार्केट है, ठीक ठाक ही है, काफी अच्छी खासी मार्केट है यार, अच्छी मार्केट है, अच्छी एकदम बढ़िया। तो फिलहाल हमने ये क्रॉस कर दिया है पुल और अब हम चलेंगे धारचूला, और बैजनाथ को हमने पार कर दिया है। बैजनाथ में काफी फेमस मंदिर भी है, देखिए कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, खुद क्या बोलना है। अभी आपने देखा गिर गया था, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है वो भी, जबकि छोटा सा तो ब्रिज है ही और उस ब्रिज के ऊपर से भी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। फिर डीडी हाट तो काफी बढ़िया जगह है वैसे, डीडी हाट यार स्टे करने के लिए बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और अब चाय हमने कंप्लीट कर दिया, अब राइड को भी करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि 7 बज चुके हैं और अभी भी धारचूला यहाँ से 60 किलोमीटर बता रहा है, तो जल्दी से जल्दी कवर करते हैं, मिलते हैं अब आपको सीधे धारचूला में। 2 hours later. तो फिलहाल अभी हम बलवा कोट में पहुंच चुके हैं और यहाँ से धारचूला अभी भी 16 किलोमीटर दूर है। तो हमने किसी लोकल से पूछा तो उसने कहा कि कल शायद भर्ती है, तो जिसके चलते सारे होटल रेस्टोरेंट फुल हैं, तो कहीं भी जगह नहीं है, जिसके चलते हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। और तो यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं थे और एक भाई ने हमारा यहाँ पर जुगाड़ किया है, तो मैं अब आपको अपना रूम टूर करवाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप हमारे लिए मखमल के गद्दे और ऊपर बहुत सारे झूमर लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े झूमर। और यहाँ पर हमारा सामान है, टैंक बैग और हेलमेट। और यहाँ पर हमने अपने यहाँ पर जो बैग के अंदर कपड़े थे वो फैला रखे हैं, क्योंकि वो बारिश में काफ़ी गीले हो गए थे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अब आपको मिलते हैं सीधे कल।